हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राधिका की विदाई पर भावुक हुआ परिवार। भियाड़ आसपास इलाकों में शिकारी गिरोह सक्रिय। बाड़मेर जिले के शिवउपकन क्षेत्र में बीसुकला गांव में जेतमाल सिंह राजपुरोहित परिवार ने वन्य जीवों के प्रति मानवता की मिसाल पेश की। परिवार द्वारा करीब 8 माह पहले मादा चिंकारे ने शावक को जन्म दिया, लेकिन आवारा श्रवणों के झुंड ने मादा चिंकारे को नोच कर मौत के घाट उतार दिया और मासूम शावक को अपने नजदीकी घर ले आए। करीब 8 माह तक लालन पालन किया और परिवार द्वारा मासूम मादा शावक का नाम राधिका दिया और परिवार के सदस्य की तरह प्यार स्नेह देकर बड़ा किया। मंगलवार को राजपुरोहित परिवार द्वारा अर्थ हीरो अवार्ड से सम्मानित पीराराम धायल, वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंट सोसाइटी जिला संयोजक भवरलाल भादु, शिव संस्था तहसील अध्यक्ष पत्रकार खेत सिंह राजपुरोहित बीसुकला गांव पहुंचे। जेतमाल सिंह परिवार में 3 पुत्रियां, पुत्र व पत्नी मादा शावक राधिका की विदाई पर भावुक हो गए और आंखें भर आई। पीराराम धायल ने बताया कि मादक शावक को पुनर्वास में चिंकारों के साथ आजाद कर दिया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि भियाड़ आसपास शिकारी गिरोह सक्रिय है और झुंडों में विचरण करने वाली चिंकारा प्रजाति शिकारियों व आवारा श्रवणों के आतंक की वजह से अब क्षेत्र में विलुप्त हो रही हैं। आसपास क्षेत्र में शिकार का अंदेशा बना रहता है। ऐसी घटनाओं को लेकर वन विभाग को पैनी नजर के साथ रात्रि गश्त की आवश्यकता है ताकि शिकार की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। संस्था पदाधिकारियों द्वारा राजपुरोहित परिवार द्वारा शावक की 8 माह तक देखभाल कर सेवा करने व पुनर्वास के लिए सुपुर्द करने पर धन्यवाद दिया। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।